असल हाई एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हैं आप सब मैं दुआ करती हूँ बिल्कुल ठीक हूँ खुश हो मजे में हो मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ तो चलें आज का लोग स्टार्ट करते हैं आई होप आज का अब आपको पसंद है डाइनिंग एरिया से भी रात में ही काफ़ी कुछ उठा लिया था यहाँ से जो भी टेबल पे चीज़ें वगैरह पड़ी थी मैंने उठा ली थी लेकिन थोड़ा सा स्टफ फिर भी पड़ा हुआ है ये अभी उठा लेंगे बर्तन गंदे और जो भी डिशेज वगैरह यहाँ थे वो उठा लिए थे और किचन में भी जो था ना वो भी हमने काफी हद तक किचन को भी जो ना बड़े बर्तन थे हाली कली थे चीजें फ्रिज में रखती थी और कुछ जो बड़ी डिशेज थी मैंने दो भी ली थी सहरी के टाइम हालांकि मैंने दावत पे डिस्पोजेबल बर्तन यूज किए हैं लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी काफी बर्तन हो गए थे अभी मैंने डिशवाशर में लगाए हैं और बाकी जो बड़े बर्तन थे वो मैंने सैडी में धो लिए थे ड्राई हो गए होंगे अब वो उठा लूँगी टेबल कवर बहुत ही गंदा हो गया था इसको भी मैं उतार रही हूँ और सैडी में बहुत उलझन हुई है इतना गंदा लग रहा था क्योंकि आपको पता है जब इस तरह फूड आप टेबल पर रखते हो तो फिर डेफिनेटली कुछ ना कुछ गिर जाता है कोई लिक्विड कोई सालन वगैरह गिर ही जाते हैं तो बस ये मैं उठा लूँगी और यहाँ पर दूसरा टेबल कवर मैं बिछा दूँगी क्योंकि अभी मेहरा बिल्कुल भी मूड नहीं है वाशिंग मशीन लगाने का तो इन शाला कल एक दो दिन में वाशिंग मशीन मैं लगाऊँ मशीन लगाऊंगी तो फिर ये धुल जाएगा तो यहाँ से कवर चेंज मैंने करना है अभी और इसके बाद आज जो है ना इतना खास कोई खाना पकाने का काम नहीं है आ, हाँ इफ़ार मैं ज़रूर बनाऊँगी और माशाल्लाह से बहुत अच्छा गुजर गया मैं गया आगे, आगे आपको डिटेल से भी बताती हूँ कि क्या क्या हुआ था इस वक्त मैं यहाँ बैठी हूँ मौसम बहुत अच्छा है ये मेरे आ, जो मेरा स्टडी एरिया है वहाँ पर जहाँ पे हमने कंप्यूटर वगैरह रखा हुआ है वहाँ मैं बैठी हुई ये बिल्कुल फ्रंट पे ही है और यहाँ से बाहर का व्यू बहुत ही अच्छा लगता है तो मैं यहाँ बैठ के आज वेदर को भी इन्जॉय कर रही हूँ बहुत ही सनी वेदर है और साथ साथ मैं कर रही हूँ वीडियो एडिट दूसरी क्या बात है कि यहाँ पर आना अभी एक पार्सल का भी मैं सारा वेट कर रही हूँ क्योंकि यहाँ बैठ के ना आपको बाहर का भी व्यू नज़र आता है आप काम भी कर लेते हो मैं वीडियो भी एडिट कर लेती हूँ जहाँ मेरे पास फर्क टाइम होता है और बाहर की तरफ भी नज़र होती है कि बाहर क्या हो रहा है तो पार्सल मेरा अभी आया नहीं है तो उतनी देर तक मैं आपको दिखा देती हूँ कुछ गिफ्ट्स आए थे वो दिखा देती हूँ और यहाँ पर आ, कुछ गेस्ट जो थे वो फ्रूट्स लेके आए थे कुछ ये एक जो थे ये बकेट थी बहुत ही प्यारी रमदान बारिक रमदान से रिलेटेड इसके अंदर काफ़ी चीज़ें थी छोट मज़ेदार सी अभी मैंने इसको तो खोला नहीं है और लेकिन ऊपर से जो नज़र आ रहा है वो सब रमदान से ही रिलेटेड है कि शरबत है इसमें खजूर है और आ, कुछ आ, मतलब के कुछ कुकीज़ लग रहे हैं इसके अंदर और कोई दही बल्ले और चाट मसाला इस टाइप की काफ़ी चीज़ें हैं सेवियाँ हैं जो कि हमें हमारे रमज़ान में या ईद के दौरान में काम आएंगी और पीछे दो बैग पड़े हुए हैं उनमें भी गिफ्ट्स हैं अभी मैंने वो खोले नहीं हैं क्योंकि बच्चों को टाइम ही नहीं मिला अभी बस वो सो के उठे हैं मेरे साथ काम करवाती नहीं हैं तो मैं खोलूँगी उनके साथ देन खोलूँगी तो मैं आपको ज़रूर क्लिप बना के शेयर करूँगी इसके अलावा कुछ गेस्ट जो थे वो मिठाई लाए थे कुछ केक लेके आए थे तो इसी तरह मिलता जुलता जो है ना माशे से फूड था कुछ गिफ्ट थे और इतनी देर में पार्सल भी आ गया था ये पार्सल जो है एक पीआर पैकेज है किसी पेज ने मुझे गिफ्ट किया और इसके अंदर भी ईद और रमजान से रिलेटेड ही चीज़ें हैं और बहुत ही क्यूट क्यूट सी चीज़ें हैं अभी इसको भी मैंने खोला नहीं है और खोलूँगी तो मैं आपसे जरूर शेयर करूँगी और बस नाब जी आज जो है ना वेदर माशाल्लाह बहुत अच्छा था और क्योंकि सनी है अलहमद लाला अलहमदिल्ला वैसा ही वेदर रहना है और आप सब से भी मैं थैंक यू भी कहना चाहती हूँ आपको कि आप सब ने मेरे लास्ट व्लॉक को इतना लाइक किया थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच इतने प्यारे कमेंट्स थे तो प्लीज़ इसी तरह ही प्यार देते रहे और कमेंट्स करते रहे करें वीडियो को शेयर भी किया करें तो बस आज को जो खास काम ही था इफ़ार मैंने बनानी है तो मैंने सोचा कि ईद भी आ गई है माशा से तो ईद की थोड़ी सी जो है क्लिनिंग कर लें तो सुबह तो बिल्कुल एनर्जी नहीं थी मेरे में बस सुस्त हो मैं पड़ी हुई थी सुस्त भी थी और थोड़ी सी उदास भी थी सुस्त तो इसलिए थी कि मैं थोड़ी थक गई हुई थी और उदास इसलिए थी कि जितने मैंने गेस्ट बुलाए थे ना उनमें से आधे गेस्ट भी नहीं आए तो आप सुन के हैरान होंगे कि थर्ड पार्टी पे जो है ना मेरे काफ़ी ज़्यादा गेस्ट नहीं आए मैंने माशाल्लाह से माशाल्लाह से काफ़ी फैमिलीज़ को बुलाया था टेन फैमिली दस फैमिली थी जिनको मैंने बुलाया था उसमें से समझ लें कि आप तीन या चार फैमिली ही आई हैं बाकी सब का क्या इश्यू था और मुझे कभी मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कोई मतलब के बस मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस भी होगा दो साल तो कोविड में गुजर गए और उस से लोग दूसरे घर नहीं जा रहे लेकिन इस दफा भी हालांकि मैंने इतनी कोशिश किया कि सबको उस अच्छे से टाइम के मुताबिक मैनेज कर सकूँ कि सब आ, आ सकें लेकिन फिर भी हर एक का कोई ना कोई प्रॉब्लम थी हर एक का कोई ना कोई इशू था तो बस अच्छा बीच में ना यही रहा है मैं एंड एंड टाइम तक सोचती रही हूँ कि शायद आ जाए कोई आ जाए इस जिस जिसने मना किया वो भी आ जाए तो बस आ, कुछ जो है ना फैमिलीज अभी भी कोविड की वजह से जो है ना आ, और अभी भी केयर कर रही हैं तो और एक दो फैमिलीज थी उनमें आ, कोई सिख थे आ, उस वजह से वो नहीं आ सके और मेरी सिस्टर इन लॉ भी नहीं आ सकी हैं उनका भी मुझे बड़ा ही दुख था हालांकि वो चाहती थी आना लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कुछ मसले ऐसे होते हैं घरों के कुछ कैजल ऐसे होते हैं सारे घर का जो होता सिस्टम एक बंदे के साथ चल रहा होता है अब मेरे सिस्टर इन लॉ के साथ ही जो है ना सारा सिस्टम चल रहा है उनके घर का तो अगर वो आ जाती तो भी बिल्कुल डिस्टर्बेंस हो जानी थी उन्होंने मुझे बड़े अच्छे तरीके से प्यार समझाया और मैं मैंने भी अंडरस्टैंड किया लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा दुख था और मैं इस बात को बार बार जो है ना सोची जा रही थी कि वो भी नहीं आया वो भी नहीं आया वो भी नहीं आया और फिर बच्चों ने अभी ने मैं समझाया कि तुमने अपनी तरफ से सबको इन्वाइट किया ना तो सामाज़ सबकी अपनी अपनी कोई ना कोई मजबूरियाँ होती हैं कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी हो जाती है जिस वजह से कुछ टाइम में ऐसा होता है कि आप फिर चीज़ें मैनेज नहीं कर सकते तो उनके साथ भी ऐसे ही रहा इसीलिए वो नहीं आ सके लेकिन है जितने लोग भी आए थे हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह और बड़ा अच्छा टाइम गुजर गया था तो बस इस बार थोड़ी सी मैं उदास थी खैर जैसे जैसे टाइम गुजर गुजरता जाता है इंसान चीज़ों को भूल जाता है मैंने भी अपने आप को बिज़ी कर लिया वैसे भी दिन गुजर चुका है अलहमद बस जिस चीज़ के जो जो मसले अल्लाह तैयार उनके हल करे आमीन मेरे भी जो इफ्तार करवाई है और अगला उसको भी अपने बारगह लाही में कबूल और मंजूर फरमाए आमिन में तो बस यही दुआ है क्योंकि इसमें अगर एक बंदे की मेहनत शामिल नहीं होती पूरी फैमिली की मेहनत शामिल होती है अल्लाह तला इसको बस कबूल फरमाए आमीन सुम आमीन और बस आज मेरा तो टारगेट था कि मैं क्लीनिंग कर लूँ फैमिली रूम जो था वो मैंने इसको अच्छे से क्लीन करना था ये मैंने हफ्तार्ड पार्टी से पहले ही कर लेना था लेकिन टाइम ही नहीं मैनेज हो पाया था बस यही कमरा रह गया था इसको डीप क्लीन करने वाला रह गया था तो मैं सोचा अब ईद आ रही तो आज ही मैं कर लेती हूँ टाइम भी है तो इसके लिए मैं ये करती होती हूँ सबसे पहले जो सारे सोफ़े हैं ना आप देख रहे हैं मैंने इनको वैक्यूम किया है वैक्यूम से बहुत अच्छे से डस्ट उतर जाता है और उसके बाद जो है ना जो भी कोई भी विंडक्स लगाकर आप या कोई भी जो है ना वेट जो वाइप्स होते हैं उसके साथ आप आराम से इनको क्लीन कर लें तो आप देख रहे हैं कितने अच्छे से साफ़ सुथरे हो गए हैं इनको टाइम तो चाहिए तकरीबन मुझे इनको क्लीन करने में दो घंटे लग गए थे मेरे फैमिली रूम में थ्री सीटेड जो है ना दो सोफ़े हैं और जो है टू सीटेड है वो भी सोफ़ा है तो काफ़ी टाइम लग गया था क्योंकि मैंने कुशन उतार के सारे कुशनों को भी अच्छे से वैक्यूम किया था और उसके बाद सारे जो है ना अच्छे से वाइप भी किए थे तो ये इससे क्या होता है लाइफ बढ़ जाती है कोई इन चीज़ों को आप वॉश तो कर नहीं सकते हैं तो इस तरह करके जंप भी ख़त्म हो जाते हैं और इसके अंदर शाइन भी आ जाती है ये मेरे सोफ़े इतने पुराने हैं तकरीबन समझ लें कि ये कोई मुझे दस साल से मैंने ये सोफ़े हैं जो मेरे जो मैं यूज़ कर रही हूँ और जब मैंने जिस शॉप से बाई किए थे उसने मुझे पूछा भी था कि बाजी आप घर में बच्चे हैं मैंने कहा हाँ है बच्चे लेकिन इतने छोटे नहीं हैं तो उन्होंने कहा था कि छोटे हों या बड़े हों तो लेकिन अगर जंप नहीं करेंगे ना तो ये बैठने से ख़राब नहीं होंगे और वाकई यही बात रही है कि 10 साल से मैं इनको यूज़ कर रही हूँ और अलहमद मेरे बच्चे जंप वगैरह भी नहीं करते हैं बड़े तरीके से चीज़ों को यूज़ करते हैं अलहमदिल्ला तो बिल्कुल सही रहे हैं तो बस मैंने का जो अपने सोफे साफ कर लिए हैं अब मैंने वैक्यूम करना है तो इसके बाद फ्लोर पर जो वुड का फ्लोर है इसको मैं अच्छे से एक दफ़ा क्लीन कर लूँगी तो ये मेरा कमरा बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जुका मैं ईद के लिए मेरा जो है ना ये तैयारी मेरी कम्प्लीट हो गई है अब कर लेते हैं इफ्तार की तैयारी और इफ्तार में आज जो है ना मैं पहले सोचा था कि खाना ही खा लेंगे लेकिन बच्चे कहते हैं ममा ने इफ्तार बनाए तो अच्छा आयशा जो है ना वो इतना नहीं करती हैं लेकिन मड़ियों मेहमान को बहुत होता है कि जी इफ्तार बननी चाहिए तो यहाँ पर आयशा जो है ना फूड काट रही हैं माशाल्लाह से आयशा जो है ना फूड चाट बनाने में एक्सपर्ट है हम सभी फैमिली को ना उनकी ही हाथ की जो फूड चाट हाँ पसंद आती है और वही हमेशा बनाती हैं तो यहाँ पर उन्होंने सारे फूड माशाला बड़े प्यार से कट किए हैं और इसके अंदर हमने डाले बनाना डले हैं और पीच डले हैं प्लम डाले हैं हम लोगों ने एप्पल डाले हैं औरेंज चीज़ और अनार है खजूर है थोड़े से बनानाज डाले हैं जो जो फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल आप डाल लें और मेरे घर में जो है ना खजूर और अनार ज़रूर डालता है तो इसके बाद इसमें जूस ऐड करेंगे हम लोग कोई सा भी डिपेंड करता है आपकी कौन सी पसंद है मुझे दरअसल खट्टा वाला पसंद है तो हम ऑरेंज वाला ऐड करते हैं कुछ लोगों को मैंगो वाला पसंद होता है लेकिन मुझे मैंगो से क्या लगता है कि फ्रूट चाट बहुत एक्स्ट्रा मीठी मीठी लगती है तो यहाँ पर हमने ऑरेंज जूस इसके अंदर ऐड किया है और तेज इट इसको मिक्स कर लेंगे और सी फूड चाट हमारी तैयार हो जाएगी अच्छा मैं आपको बता रही थी तो गेस्ट जो थे ना हमारे जो इफ्तार पार्टी पे आए थे सब दूर दूर से आए थे सबकी जो ड्राइव थी ना तकरीबन घंटे डेढ़ डेढ़ घंटे की दो दो घंटे की ड्राइव थी तो माशाल्लाह से जब इफ्तार कर ली थी हम लोगों ने फिर खाना खाया फिर थोड़ी सी बातें शातें की और उसके बाद मैंने सबके लिए चाय बनाई थी और उसके बाद सब गए थे बारह साढ़े बारह बजे सब लोग निकले हैं और घर में पहुंचते पहुंचते उनको सैरी हो गई होगी तो मैं सबको कह ही रही थी कि आप लोग सैरी करके जाना लेकिन डेफ़िनेटली इतनी थकावट हो जाती है आप जब किसी घर जाना भी होता है ना तो ट्रैवल करना होता है फिर आपने तैयारी करनी होती है है अलहमदिल्ला सब लोग बारह साढ़े बारह तक चले गए थे मैंने सबको कहा था कि आप घर जाके मुझे मैसेज जरूर करना क्योंकि मुझे फिक्र हो रही थी कि सब हैरिये है से रात के टाइम पहुँच जाए अलहमद लाला के अच्छा से सा सारा कुछ गुज़र गया और आप लोगों ने भी मेरे ब्लॉग को पसंद किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया तो यहाँ पर फ्रूट चाट हमारी तैयार है साथ में मैंने बना लिए थे समोसे और ये समोसे जो है ना आलू के हैं आ, बच्चे कहते हैं मम्मा आपने सब चीज़ें कीमे की चिकन की बनाई हुई या तो कुछ चीज़ें ऐसी हूँ जो आलू की भी बनाए तो यहाँ पे आलू के समोसे तैयार किए हैं ये वाले इसके साथ दूध बनाया है और दूध मैं डेली ही बना लेती हूँ क्योंकि उस तरह कुछ ऐसा दही वगैरह बच्चे साड़ी में नहीं खाते दूध भी बस इफ्तार में पीते हैं तो गर्मी काफ़ी है तो दूध जो है ना वो जरूर आप इस्तेमाल किया करें दूध दही का रमज़ान में और इसके बाद हमने जो है ना वही फ्रूट चाट है पकोड़े मैंने बनाए थे अभी क्या थे सारे मिक्स वेजिटेबल वाले पकोड़े बना लेना तो पकोड़े रेडी किए हैं इसके साथ तही ने ये चिकन चीज़ बर्गर भी रेडी कर दिए छोटे उन्होंने स्मॉल साइज़ में इसको काट दिया है एक एक पलक के पीस ले लेंगे सब इसके साथ हम लोगों ने जो ब्रेड पार्सल बनाए थे वो मैंने फ्राई कर लिए थे तो माशाल्लाह से ये थी हमारी मज़ेदार सी इफ्तारी आई होप आपको आज की इफ्तारी भी पसंद आई होगी आज का ब्लॉग भी पसंद आया होगा और इन शा नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ रात के ब्लॉग के साथ और अब तो माशाल्लाह दो या तीन ही जो है ना रोज़े रह गए अलहमद आने वाला टाइम हम सब के लिए अच्छा उम्मीद दुआएं आप सबके लिए भी अल्लाह ताला बेहतरी करे आप सबके दिली तमन्नाएँ आर्जें दुआएं कबूल करे हम सब की भी इस बारकत महीने के सदके में करके हम सबको ताला नेकी की हदायत दे और नए काम करने की तौफीक तो फीके तफ़रमाए आमिन आमिन इन ताला नए व्लॉग के साथ मिलूंगी अपना बहुत ख्याल रखिएगा दुआ में मुझे भी याद रखिएगा इंस्टाग्राम का लिंक मैं शेयर कर रही हूँ पेज को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा टेक केयर अल्लाह हाफिज़ बाय लव यू गाइज